अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर पर ही टिक्का मसाला पाउडर और तंदूरी मसाला पाउडर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टिक्का मसाला पाउडर। इसके लिए हमें चाहिए धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, लाल सूखी मिर्च, साबुत काली मिर्च, दालचीनी, छोटी हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री। ये सब चीज़ों की क्वांटिटीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अब ये जो साबुत मसाले हैं, जो कि ज़ीरा, धनिया, कसूरी मेथी और सूखी लाल मिर्च, ये चारों को मैं अलग से भून लूंगी और भूनने के बाद जो बाकी के गरम मसाले हैं उसके साथ मिक्स करके इसे अच्छे से फाइन पाउडर में हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे मसाले ये भून लिए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लेने के बाद अब हम इसे एक बार छान लेंगे और जो ऊपर दरदरा वाला मटेरियल रह जाएगा उसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। फिर से और एक बार हम इसे छान लेंगे। अब आप देखिए, अब इसमें कोई भी लम्स या फिर कोई भी दरदरा मसाला नहीं रहेगा। ये हो गया हमारा पिसा हुआ मसाला। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी और चाट मसाला। इनकी भी क्वांटिटीज़ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करिए। आप अगर चाहें तो आप दूसरे खड़े मसाले के साथ ही हल्दी और चाट मसाला डालकर पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बाद में डाला है। या आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो तब डालिए या फिर एंड में डाल सकते हैं। अब आप इसे कोई भी एक एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक। ऐसा डालने से आपका कोई भी मसाला वेस्ट नहीं होगा। आप कोई भी पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर इसे डालकर डायरेक्ट आप अपने कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए तो नीचे भी कुछ भी नहीं गिरेगा। और आप इसे रख सकते हैं अराउंड 3 to 4 months यूज़ कर सकते हैं। इसे ऐसी एयरटाइट कंटेनर में रखिए और बेटर रहेगा अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो, बाहर भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ बना रहे हैं तंदूरी मसाला पाउडर। इसके लिए आपको चाहिए ज़ीरा, धनिया, सौंफ, छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, जावित्री, सौंठ जो कि होती है सूखी अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च। अब मैं सबसे पहले जो ज़ीरा, धनिया और सौंफ है इसे भून लूँगी। इसके बाद जो दूसरे भी खड़े मसाले हैं, गरम मसाले, वो भी हम इसमें भूनेंगे। इसे अच्छी तरीके से आप 5 मिनट तक भून लीजिए। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए इसे ग्राइंड कर लीजिए। सारे मसाले अच्छी तरीके से भून लेना चाहिए, वरना उसका कच्चा जो स्मेल होती है वो आपको आएगी। अब हम सारे मसालों को एक साथ पीस लेंगे और ये भी सेम जैसे हमने टिक्का मसाला करा था, पीसने के बाद एक बार छानेंगे, फिर दोबारा से जो भी हमारा दरदरा मसाला रहेगा उसे दोबारा छानेंगे और इसके बाद हमारा मसाला रेडी। इसमें हमें हल्दी या चाट मसाला डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे भी एक एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। आप इसको भी स्टोर कर सकते हैं फॉर अराउंड 3 months
और इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो बेटर होगा, बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इसे शेयर करिए। आप बाहर से भी बिल्कुल मंगा सकते हैं टिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला, लेकिन आप घर पर भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।